सोना 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 हाँ जी सोना। मूवी शुरू होती है 3 एयर होस्टेस को अरेस्ट करने वाले सीन से, जो कि सोने के बिस्किट्स के चोरी के क्राइम के सस्पेक्ट हैं। पैसे से परेशान 3 मिडिल क्लास लड़कियां, जिनमें 2 की लाइफ में सच में मिडिल क्लास वाली माथा फोड़ी है। पर ड्रामा क्वीन की कहानी ड्रामेटिकली शुरू होती है। अच्छी बात यह है कि क्रू के ट्रेलर को ट्रेलर की तरह रखा है, बड़े मियां छोटे मियां की तरह 3 मिनट में पूरी मूवी को मिनी मूवी की तरह पहले ही लॉन्च नहीं कर दिया। मतलब आपको पता है कि मूवी में क्या होने वाला है। मध्यांतर के बाद मूवी में क्या होता है, इसकी एक भी झलक आपको क्रू के ट्रेलर में देखने को नहीं मिली है। सेकेंड हाफ में भी ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिलती है, फॉरेन दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। इंडियन कॉमेडी विद लेस लॉजिक, एंजॉय करने का। टाइटैनिक ही देख ले, अमीर सारे बोटों में निकल गए, डूबा कौन। कॉमेडी में कुछ रोल्स की रिक्वायरमेंट ही ओवर एक्टिंग करने की होती है, अगर ओवर नहीं करोगे तो एक्टिंग ही नहीं लगेगी। मरगांव एक्सप्रेस, आपने बोला क्या, प्रतीक गांधी ओवर एक्टर। कॉमेडी है, ओवर करनी होती है। कहानी लिखने का तरीका अच्छा है, इनफैक्ट कहानी भी अच्छी है। डिफरेंट टाइम जोन को 6 महीने पहले क्या हुआ, फिर अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कहाँ से उनकी मतलब बैक स्टोरी स्टार्ट होती है, व्हाई दे नीड अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके की चीजों को कनेक्ट करते हैं। कहानी बहुत अच्छी है, तरीका भी अच्छा है पोर्ट्रे करने का, बट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्योंकि डिफरेंट टाइप का टॉपिक है ना, नॉट लाइक दोज रेगुलर हिंदी रोमांस, डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो डिफरेंट टाइप का तरीका भी होना चाहिए था कहानी को रखने का, थोड़ा सा और अलग। 2 घंटे 4 मिनट में मूवी आपको टेक ऑफ करके सीट पे लैंड भी करा देगी। 2 घंटे 4 मिनट के अंदर सारे गाने तमाशों के साथ पिक्चर खत्म हो जाती है। मूवी में लीड रोल में करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सैनन देखने को मिलती है। वहीं पे सपोर्टिव रोल पे बहुत छोटा छोटा रोल है दिलजीत दोसांझ एंड कपिल शर्मा फ्रॉम द कॉमेडी शो। कपिल शर्मा के फैंस के लिए मैं बता दूं, उनका रोल मूवी में बस उतनी देर के लिए है जितनी देर के लिए इस मूवी में इंडियन वेशभूषा है। इस मूवी में वो आपको ज़ोमैटो नहीं बल्कि ज़ोमैटो को प्रमोट करते हुए दिखाई दे, एंड ऑफ कोर्स नॉट एज अ डिलीवरी बॉय। प्रमोट से याद आया, प्रमोशन के नाम पे लुई विदों से लेकर के यार्डले तक के ब्रांड्स का भर के प्रमोशन हुआ है। इतने तो आई गेस प्रमोशंस मैंने लास्ट वीरे दी वेडिंग या आयशा में देखे थे। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखो तो तब्बू जी ने कोई फ्लॉप नहीं दिया है। एट द सेम प्लेस करीना कपूर वुड बी हैविंग हाई होप्स, स्पेशली आफ्टर लाल सिंह चड्ढा। इस मूवी में करीना का कैरेक्टर हैड अ वाइब जो पू के अलावा किसी और को सूट नहीं करता। बाय द वे करीना लुक्स सो गुड इन दिस मूवी, ऐसा लगता है कि सारे टॉप क्लास आउटफिट और मेकअप लुक्स या ओवरऑल लुक्स जो भी है वो करीना को ही दे दिए गए हैं। दिलजीत दोसांझ का रोल बहुत अच्छा है, बट उनके कैरेक्टर के रोल में लास्ट में मोए मोए हो गया। पुलिस वो है बट उनका काम कोई और कर गया, मतलब हिज कैरेक्टर वॉज विलिंगली टेकिंग द बैक सीट। ऐसा लगता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उनकी जिस कुर्सी की पेटी जबरदस्ती बांध दी गई थी। गानों की बात करें तो डांस में कोई सिग्नेचर स्टेप नहीं है जो आपको याद रह जाएगा सिवाय, बट 2-3 गानों की रीमेकिंग मुझे बहुत पसंद आई। द सॉन्ग नैना इज ट्रेंडिंग दीज डेज, दिलजीत सिंगिंग स्टाइल हैज मेड दिस सॉन्ग टू रीच अराउंड 50 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। बादशाह सर जी इज ओके ओके। मूवी में 2-4 इधर उधर के शब्द डालने से मूवी चलती है, इसीलिए 2-4 गालियां मूवी में डाली गई हैं। अदरवाइज कोई फालतू के फेमिनिज्म के झंडे नहीं गाड़े गए हैं। इन केस यू डोंट वांट टू बाय टिकट्स फॉर दिस मूवी, नेटफ्लिक्स इज स्ट्रीमिंग पार्टनर। मूवी जल्दी ही आपको घर के कंफर्ट में मिल जाएगी विदाउट एनी बीप। डायरेक्टर राजेश ए कृष्णन ने आज से लगभग 4 साल पहले लूट केस नाम की एक फिल्म दी थी, जो आई एम श्योर आपको ज्यादा पसंद आएगी। द मूवी इज अवेलेबल ऑन डिज्नी हॉटस्टार। सो टू क्रिएट दिस लुक, एयर होस्टेस के लुक में जितना इम्पोर्टेंट मेकअप या विंग्ड आईलाइनर होता है उतना ही इम्पोर्टेंट स्लीक हेयर स्टाइल होता है। टू क्रिएट दिस हेयर स्टाइल मैंने मिडिल पार्टिंग की है। मिडिल पार्टिंग आपको 1.5 से 2 इंच करनी है, पूरा एकदम पीछे तक आप जिस तरह से कर लेते हो उस तरह से नहीं करना है। एंड आफ्टर जितना आपको लगता है सेटल कर लो, रफली एक बन बना लो। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो स्पूली यूज कर रही हूँ, जिससे हम आईब्रो को कोम करते हैं, उस पे मैं हेयर स्प्रे को डायरेक्टली स्प्रे कर रही हूँ और अपने बालों को कोम कर रही हूँ। इंस्टेंटली आपके जो बेबी हेयर होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। If you are making this hairstyle on off days, like 3 दिन पहले आपने बाल धुले थे, तो this spray adds little shine into your hair. ये Sebastian का volume building spray gel है. This is little costly. This is for 2000 rupees. 2000 रुपए का 150 ml का bottle आपको मिलता है. So मैं दूंगी movie को 3 out of 5 stars. 1 star movie को family के साथ देखा जा सकता है, इसलिए कुछ भी bold adult या अपमानजनक नहीं है. 1 star fun है movie में, funny है. कॉमेडी नहीं है, फनी है। और 1 star ट्रेलर में मूवी को पूरा ना दिखाने के लिए, कुछ तो छोड़ा हुआ उन्होंने मूवी के लिए। 1 star नेगेटिव में इसलिए क्योंकि मूवी को कॉमेडी बोल करके प्रमोट किया जा रहा है, तो जो भी कॉमेडी है वो सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू डिलीवर हो रही है, कोई भी साइलेंट कॉमेडी इसमें नहीं देखने को मिलती है। और 1 star कहानी को बिल्कुल फ्लैट रखने के लिए, मतलब अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक और डिफरेंट टाइम जोन के साथ नहीं खेलते वो ना, तो फिर कहानी इतनी भी अच्छी नहीं लगती। टॉपिक थोड़ा सा अलग था, कुछ बेहतरीन कहानी को कहने का तरीका लेकर के आ सकते थे। ओके, जिनको ट्रेलर
अट्रैक्टिव नहीं लगा, सिंपल, आपके टेस्ट की मूवी नहीं है। मे बी सावरकर शुड बी योर फर्स्ट फिल्म टू वॉच दिस वीकेंड। थैंक यू फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। सी यू इन माई न्यू वीडियो। टेक केयर।